ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के कैलाश नगर में अशरफ कंपाउंड ग्राउंड प्लस वन की एक चौल का स्लैब गिर गया। ये स्लैब कल शाम के वक्त गिरा। जैसे ही स्लैब गिरा, चौल में रहने वाले लोग सभी घर से बाहर आ गए। जिस मकान का स्लैब गिरा है, उस मकान मालिक का नाम है इशरतुल्ला। जैसे ही स्लैब गिरने की खबर सामने आई, फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर पहुँच गए। मनपा कर्मचारी भी वहाँ पहुँच गए और इशरतुल्ला के मकान में ताला लगा दिया गया। वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, मगर चौल में बने सभी मकानों में लोग अभी भी रह रहे हैं, क्योंकि अभी तक मनपा ने खाली करने का निर्देश नहीं दिया है। बहरहाल ये चौल की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। जगह जगह इसमें दरारें पड़ चुके हैं और प्लास्टर भी छूटकर गिर रहे हैं। हालात काफी खतरनाक बने हुए हैं, मगर अभी मनपा कर्मचारियों ने इसकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं की है। उन्होंने बताया है कि इसकी ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही फैसला लेंगे कि चौल को खाली कराया जाएगा या फिर रहने की अनुमति दी जाएगी। और त्योहार होने की वजह से इस चौल की ऑडिट रिपोर्ट दो दिन बाद ही कराई जाएगी, जिसके बाद ही जानकारी सामने आएगी कि चौल धोखादायक है या फिर इसमें मनपा लोगों को रहने की अनुमति देगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।